हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र सिंह के एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर सभी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कंटिन्यू जारी है। और फ्रेंड्स, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू जारी रखें। आपको सुबह एक शॉर्ट वीडियो में डीपी सर ने बताया था कि DSS SSSV में पोस्टें आने वाली हैं 1600, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की होंगी और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। सो बी कंटिन्यू स्टडी, आप सारे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहें। ऐसा ना हो कि कोई अलग से कोई मुहूर्त नहीं आएगा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें और हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, जो आपके लिए होगा वो बेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत शानदार सेशन होगा। मॉर्निंग का सेशन कैसा लगा था, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सेशन कैसे लग रहे हैं। और सभी फ्रेंड, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करो, ठीक है। प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, बेल पाल्सी अफेक्टेड द, बेल पाल्सी किसके कितनी क्रैनियल नर्व अफेक्ट होती है, तो सेकंड, थर्ड, सेवन्थ या फिफ्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सेवन्थ क्रैनियल नर्व, ठीक है फ्रेंड्स। बुक केस एक्सटेंशन बिलोंग टू ए मेथड ट्रैक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। हिंग जॉइंट से रिलेटेड आ सकता है, रिस्ट जॉइंट से रिलेटेड आ सकता है, सॉकेट वॉल करके आ सकता है, साइन बोन के नाम से आ सकता है, ठीक है, या फिर ये बुक्स एक्सटेंशन आ सकता है, ये स्किन ट्रैक्शन है या स्केलेटल है। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्किन ट्रैक्शन। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस आल्सो नॉन इज, इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकिपनिया, नेक में अकड़न आना, पेट में दर्द होना या लेवल ऑफ कॉन्शियस में चेंजेज आना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ल्यूकिपनिया। विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लीवर डिसफंक्शन, क्वेश्चंस को पढ़ना, मैं जानता हूँ आप सारे लोग, मैं भी यही करूँगा, सीरम बिलिरुबिन हो, बट अगर सबसे बेस्ट देखा जाए तो सीरम एल्बुमिन होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें सीरम एल्बुमिन को देनी चाहिए, लेकिन यहाँ हो रहा है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे सीरम एल्बुमिन को माना गया है। ALT और AST टेस्ट मेजरिंग एंजाइम दैट योर लीवर रिलीज इन रिस्पॉन्स डैमेज डिजीज। एल्बुमिन टेस्ट जो होता है वो मेजर करता हाउ वेल द लीवर क्रिएट एल्बुमिन। बिलिरुबिन टेस्ट मेजर हाउ विल इट डिस्पोसेस बिलिरुबिन, ठीक है फ्रेंड्स। द डिटेक्शन ऑफ एल्वोलाई वॉल इज कॉल्ड ऑन, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये यहाँ से अपने बाइफर्केट होते हुए, यहाँ पे टू लोब्स होते हैं, यहाँ पे तीन लोब्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे यहाँ अंगूर के गुच्छे समान जो एल्वोलाइज होते हैं, उनका डिस्ट्रिक्शन हो जाना, अगर उनका डिस्ट्रिक्शन होगा तो क्या ब्रोंकोटाइटिस होगा, ब्रोंकिया की बात नहीं है, ब्रोंकिया से नीचे की बात है। इम्पाइमिया, पस का कलेक्शन होना, ये ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन, इम्पाइमिया पस का कलेक्शन होना, लंग में एप्सिस होना या इम्पाइसमिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। विच इज़ नॉट STD, ठीक है, यहाँ सभी STD हैं, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, बट हेपेटाइटिस ए आल्सो इट इज़ ए कंटामिनेटेड डिजीज, नॉट ए STD डिजीज, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू ओरल फीको रूट, सभी फीको ओरल रूट से हैं, हेपेटाइटिस ई ये आपका फीको ओरल रूट होगा, हेपेटाइटिस बी है जो ब्लड से होगा, ये आफ्टर BT होगा, और हेपेटाइटिस डी ये डिपेंडेंट एनिमा और डेंजरस भी, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाने जो क्लासें ली जाती हैं आप सबको कैसे लगते हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी फ्रेंड्स ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा लिए जाने वाले सेशंस
आप सबको कैसे लगते हैं। और फ्रेंड्स, अब भी वक्त है, जिस फ्रेंड ने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की हो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी कर दें, क्योंकि इतना समय नहीं है, बाद में आपके पास पढ़ने के लिए ज़्यादा होगा और आपका माइंड बिल्कुल अपसेट हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और आपको फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको खुद का सपना पूरा करना है या खुद को कुछ बनना है, तो माय डियर आपको कुछ करना तो पड़ेगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, नॉर्थ स्टेट रिगार्डिंग भी और राजस्थान NHM किसी भी, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ होती है किससे होती है, तो ये थाइमस ग्लैंड डिसऑर्डर है। क्या है? थाइमस ग्लैंड डिसऑर्डर है। और इसमें क्या बोलते हैं इसे, व्हेन नॉट टीसी अपीयर एसाइटिन कोलिन रिसेप्टर अब नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, और मसल्स वीकनेस हो जाती हैं। इसमें तीन मोस्ट सिम्टम्स दो देखने को मिलते हैं, इसमें मसल्स हैं जो वीकनेस हो जाती हैं, फटीग को देखने को मिलता है, और जो इसका अर्ली साइन है वो टोसिस होता है। अटोसिस इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और अर्ली साइन होता है। तो इसका राइट आंसर पैरालिसिस नहीं होगा, सलाइवेशन नहीं होगा, टोसिस इज़ द राइट आंसर। गोट अक्यूमलेशन, गोट क्या है और किसकी वजह से होता है, ठीक है। मान लीजिए ये जॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये जॉइंट्स के अंदर अगर यूरिक एसिड का कलेक्शन हो जाना, अगर इनके जॉइंट्स के अंदर यूरिक कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है तो क्या होगा, तो उससे गोट एक्यूमलेट, ठीक है, यूरिक एसिड इसके अंदर आएगा। इस डिजीज़ को जो होने वाली है उसको क्या हम क्या कहें, गोट एक्यूमलेट, ठीक है। तो क्रिएटिन नहीं होगा, ये हमारी किडनी से होगा, कैल्शियम और यूरिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बर्न एरिया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नाइन, ठीक है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग रूल ऑफ नाइन जो लार्जेस्ट बर्न एरिया होता है वो कौन सा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग बताइए, ये टू टू के पापा हैं, ठीक है, और ये आज इनके बारे में बात कर लेते हैं कि बर्न एरिया कितना होता है। ये हेड कितना होता है, 4, गर्दन 4, ठीक है, और अपना फ्रंटल 18, और बैक पोस्टीरियर की बात करें तो वो कितना होगा, 18। इनकी बात करें तो 9%, और इसकी बात करें तो 9%, और इसकी बात, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बर्न एरिया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नाइन, तो रूल ऑफ नाइन के अकॉर्डिंग अपना जो लार्जेस्ट बर्न एरिया होता है वो फेस और ट्रंक होता है। फेस हमारा 4.5 होता है, और ट्रंक 36 की बात कर ले तो एक्सटर्नल, वो क्या बोलते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर 36%। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर वर्टिब्रा डिस्क हेरिनेशन कॉमनली, तो ये कौन सी होती है, ए नहीं होगा, बी, सी या डी। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि लंबर वर्टिब्रा डिस्क हेरिनेशन कॉमनली इन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरसियर फैक्टर इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, क्या सिकल सेल होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया या परमेसियस एनीमिया। और फ्रेंड्स बता रहा हूँ, एक एनीमिया का क्वेश्चन आपको 101% लिख लीजिए, 101% आपको देखने को मिलेगा, एनीमिया का क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़, ब्लड डिसऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, GIT, मैं आपको बता रहा हूँ, MSN में आपका GI सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी, आपका ब्लड, हार्ट से फिर भी इतना कोई नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, और एक अपना रिनल सिस्टम, कैंसर, ये आपके कुछ 5-6 टॉपिक तो ऐसे हैं, और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम और मस्कुलरो, इनकी नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, इससे इनमें के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, 101%, देख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी12, विटामिन बी12 का बेस्ट सोर्स क्या होता है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स,
ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं होगा, ब्रोकिल्स नहीं होगा, काउ फ्लोर नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा वो मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट होगा, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। लाइम्स डिजीज प्रोड्यूस ए करेक्ट स्टिक्स एंड एंगुलर सर्कुलर रेसेस आल्सो नॉन एज। तो पेपुल पेल ब्लू या ब्लूइस आई रेसेस। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये लाइम डिजीज़ है, क्या जो लाइम डिजीज़ है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्या है बैक्टीरियल डिजीज़ है। और बैक्टीरियल के बाइट करने से, और बाइट किससे होता है, टिक से, किससे टिक से, उसके बाइट करने से ये डिजीज़ फैलती है। आमतौर पर ये एक दूसरे से नहीं फैलती, लेकिन फिर भी अगर इस डिजीज़ को टाइम पे, मतलब टाइम रहते हुए अगर इसको नहीं नोट किया जाता है तो ये डिजीज़ घातक हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लिनफ्लेटर सिंड्रोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो फ्रेंड क्रोमोसोम्स, क्लिनफ्लेटर का मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होना, क्लिनफ्लेटर एक लेस होना, तो टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्ड्स 18, पटाव 13, ठीक है। घर पे जो पटाव कहते हैं, कह सकते हैं 13 पटाव गिरेगा, तो मतलब पटाव 13, एडवर्ड 18। 21 डाउन सिंड्रोम, जो बच्चा कोई नोट करना चाहे मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ सभी को, 13 पटाओ, 18 एडवर्स, 13 पटाओ एडवर्स 18, 21 डाउन सिंड्रोम, 45 आपका टर्नर सिंड्रोम, और 47 आपका क्लिनफ्लेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम में अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो किसको इंगित करेगा, प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। ल्यूकेमिया को, हर्शवर्स डिजीज को, TF को, या एक्स्ट्रो ब्लडर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम अकर ड्यू टू, अभी मैंने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था, तो मुझे लगता नहीं कि डाउन सिंड्रोम को अब दोबारा बताया जाए, ये क्रोमोसोमल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, हीमोफेलिया इज एसोसिएटेड विद, हीमोफेलिया एसोसिएटेड विद, तो आल्सो नॉन इज द राइट आंसर। तो ये एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम 11, या क्रोमोसोम 21, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रोमोसोम्स एक्स। अगर एक पेशेंट है, उसको आपने, एक मरीज है और आपने उसको इंसुलिन फास्ट दे दिया है, अगर इंसुलिन आपने फास्ट दिया है तो पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहेगा, सोडियम बढ़ जाएगा या सोडियम घट जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपोकैलेमिया, पेशेंट को पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। व्हाट इज गॉट, गॉट क्या है, तो फ्रेंड्स गॉट कौन सा डिसऑर्डर है, प्लीज़ एक बार बताइए, क्या वास्कुलर, डिजेनरेटिव, रिनल, या मेटाबॉलिक। तो राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास कि व्हाट इज ए गॉट, गॉट क्या है, तो गॉट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है फ्रेंड्स, गॉट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और साथ में ही गॉट इसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, और जब यूरिक एसिड लेवल जॉइंट्स के अंदर जमा होगा तो पेशेंट को पेंस तो फिर होगा ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन, आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, और पढ़ाई अपनी इसी तरह कंटिन्यू करते रहें। और फ्रेंड्स मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ, आज का साथ हमारा यहीं तक था, इसलिए मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड, पढ़ाई अच्छे से सभी करते रहें और अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करें। ओके, बाय बाय।